कोई और सेलिब्रिटी होता कंपैरेटिवली शायद इजियर होता, बट सिंस इट्स उर्फी जावेद थोड़ा चैलेंजिंग है। वैसा ड्रेसिंग सेंस है उससे तो मैं क्या ही इंस्पायर होंगी, उसकी अपनी अलग पर्सनालिटी है तो मैं उसे कॉपी नहीं करना चाहती, वो जो है वो वही रहे। इनिशियल स्टेज में तो रूसा उर्फी थे जो घर के प्रोवाइडर्स थे। ट्रोलिंग तो मैं मैनेज नहीं करता हूँ और ट्रोलिंग मैं मैनेज कर भी नहीं सकता हूँ, तो वो चीज़ पूरा शय उर्फी जावेद को ही जाता है। पत्थर रख के अपने दिल पे कह रही, बट आई थिंक अभी उसकी करंट फेवरेट सिस्टर तो डॉली चल रही है, पहले मैं थी, बट उर्फी वाज जस्ट लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टर ओनली हमारे घर में। वैसे कोई हेलो एंड वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया, मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे और आज हमारे साथ है फॉलो कर लो यार की टीम। सबसे पहले वेलकम ऑन फर्स्ट इंडिया। सबसे पहले श्वेता आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा, उर्फी जावेद की डिज़ाइनर है आप, एक से बढ़कर एक कपड़े पहनती है, अपनी ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती है, कैसे क्रिएटिव उनकी आप डिज़ाइन करती कपड़े? जी सो मतलब दोनों साथ में बैठते हैं, शी कम्स अप विद द आइडिया एंड देन आई एग्जीक्यूट इट। यस, तो इसमें उर्फी जावेद का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, वो आइडियाज़ लेके आती हैं? बिल्कुल उसका ही इन्वॉल्वमेंट है हमेशा, क्योंकि जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो बहुत डिफरेंट चीज़ें हमने ट्राई की थी, उसके एक टाइम के बाद इंसान ब्लॉक हो जाता है। सो मैं तो ब्लॉक हो जाती हूँ बिल्कुल कि क्या करना अब नेक्स्ट क्या करना है। तो वही उसके पास तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं जो अनलिमिटेड हैं, सो वही आइडियाज़ लेके आती है और फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ओके जी सहेल जी, आप मैनेजर हो उर्फी जावेद के, कितना मैनेज मुश्किल होता है करना उर्फी को? क्योंकि काफ़ी गुस्सैल है उर्फी जावेद। नहीं गुस्सैल तो मेरे साथ गुस्सा तो नहीं करती हैं क्योंकि हम लोग दोस्त भी हैं, बट मैनेजिंग हर इज़ अ टास्क, क्योंकि जिस तरह का वो काम करती हैं बिल्कुल यूनिक, पुल ऑफ करना डिफ़िकल्ट होता है, कितनी चीज़ें होती हैं, परमिशंस होती हैं एंड ऑल, तो वो चैलेंजिंग पार्ट है। ऑफकोर्स इफ कोई और सेलिब्रिटी होता कंपैरेटिवली शायद इजियर होता, बट सिंस इट्स उर्फी जावेद थोड़ा चैलेंजिंग है। बट काम कैसा रहता है, मैं कैसा मैनेज करता हूँ, ये आप उनसे पूछिए तो बेहतर है, क्योंकि वो बताएंगी मैं कैसा मैनेज कर रहा हूँ। तो लेकिन बोलते हैं ना मैनेजर और जो क्लाइंट रहते कभी ना कभी थोड़े बहुत नोक झोंक हो जाते हैं चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ें उन्हें नहीं पसंद आएंगी, कुछ आपको नहीं है, तो कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ? जी जी ऐसे बहुत इंसिडेंट होते हैं, ये चीज़ें होना ज़रूरी है तब चीज़ें जाके वर्कआउट करती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं अपना व्यू पॉइंट उनको दूँ, मैं देता हूँ, कभी वो एक्सेप्ट करती हैं कभी नहीं करती हैं, क्योंकि उनका भी अपना एक परसेप्शन होता है उस चीज़ को लेके, लेकिन हमारा डिस्कशन होता है, मैं उनसे बोल लेता हूँ फ्रीली, वो मेरे से बोल लेती हैं फ्रीली। बट अगर आप कह रही हैं कि वो जैसे गुस्सा गर्मी और वो सब, वो मेरे साथ तो आज तक नहीं किया उन्होंने, मेरे साथ तो बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप है हम लोग का। थोड़ा बहुत हाँ कि यार सहल ये ऐसे नहीं करना था, अरे यार सहल ये क्यों कर दिया, वो चीज़ें वैसे रहता है। आज भी उर्फी जावेद की जो सिस्टर हैं वह तो बहुत खूबसूरत है आप, थैंक यू और काफ़ी शाय शाय सी भी हैं आपसे मेरा सवाल रहेगा कि जो उर्फी जावेद का जो ड्रेसिंग सेंस है उनसे आप इंस्पायर होती हैं, कुछ आइडियाज़ देती हैं उर्फी को आप? मैं तो क्या ही आइडियाज़ दूंगी, बट उसके जो वैसा ड्रेसिंग सेंस है उससे तो मैं क्या ही इंस्पायर होंगी, उसकी अपनी अलग पर्सनैलिटी है, तो मैं हमेशा से ही कहती आ रही हूँ कि उर्फी जावेद सिर्फ एक हो सकती है एंड यू नो शी इज़ द वन, तो मैं उसे कॉपी नहीं करना चाहती, वो जो है वो वही रहे। आई हैव माई ओन थिंग गोइंग ऑन, तो आई एडमायर हर बट वैसे इंस्पायर्ड नहीं हूँ मैं। कभी उर्फी जावेद से फाइट वाइट होती है घर में? बिल्कुल, हम बहनें हमारे तो पूरे टाइम ही कुछ ना कुछ रहता है कि यू नो किसी चीज़ पर आर्ग्यूमेंट हो जाती है, बट हम लोग चिल है, मतलब फैमिली है, झगड़ते हैं, साथ रहते हैं, इट्स ऑल टुगेदर ओनली। आप लोगों ने लाइफ में बहुत अप्स डाउन देखे हैं, बहुत सारा देखा, और आई थिंक उर्फी जावेद में ही आप लोगों को बहुत संभाला है, तो कितना मानती है इन सारी चीज़ों को? बहुत ज़्यादा, आई मीन बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है मेरे अंदर उर्फी के लिए, इनफैक्ट सबके लिए। एवरी वन वॉज देयर फॉर ईच अदर, उर्फी से जितना बन पड़ा उर्फी ने किया वो बहुत ज़्यादा है, मतलब क्योंकि इनिशियल स्टेज में तो रूसा उर्फी थे जो घर के प्रोवाइडर्स थे, तो आई जस्ट हैव सीन देम बहुत एक्सट्रीम, मतलब यू नो इमोशनल उसे जाते हुए कैसे उन्होंने पुल ऑफ किया, सब नहीं कर पाते, घर के लड़के नहीं कर पाते, हमारी घर की लड़कियों ने कर दिखाया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ उर्फी जावेद से जुड़ा एक क्वेश्चन है, आपको तो आपका लव वन मिल चुका है, हमको ये पसंद आ रहा है जैसे उर्फी जावेद पूरा सरनेम के साथ जो हर बार बोल रही है, आप उर्फी भी बोल सकती है। तो उर्फी के बारे में क्या ख्याल है? मेरी मैं तो बहुत ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि कोई बस अच्छा सा लड़का मिल जाए उर्फी को। हम लोग पूरे टाइम यहाँ पर डिस्कस करते रहते हैं कि कोई बढ़िया सा सेंसिबल अच्छा लड़का हमारी उर्फी के लिए मिल जाए। शी इज़ ओपन टू डेटिंग गाइज। समीर जी, उर्फी जावेद से कैसा आपका बॉन्डिंग है? ठीक बॉन्डिंग है, कोई ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, ज़्यादा फार भी नहीं है, बस नॉर्मल क्योंकि हम लोग अलग अलग रहते हैं। भाई है, मैं लखनऊ में हूँ इसीलिए। आप 4 बहनों के इकलौते भाई हैं, तो किस तरह से घर में मैनेज होता है कि चारों आप पे हावी हो जाती हैं? नहीं, चारों तो हावी नहीं होती हैं, ऐसा भी नहीं है, मैं शांति रहता हूँ। ये लोग अपना लड़ती हैं, बस देखता हूँ बस। हाँ, छुड़ाते नहीं हो? लड़ने दो, उनका जो मन है। कभी कभी छुड़ाता है ये। एक बार हमारी लड़ाई हो रही थी, समीर आके बीच में खड़ा हो गया, इसको चोट लग गई थी। रूसा ने कुछ फेंका, इसके सर पे लगा, इसे लग गई। सर, उर्फी जो है अपने कपड़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा उन्हें सराहना मिलती है, कभी कभी ट्रोलिंग का भी उन्हें शिकार होना पड़ता है। आप उनके मैनेजर हैं, किस तरह से जो ट्रोलिंग होती है उसे आप मैनेज करते हैं? कभी कभी होता है ना, कुछ ज़्यादा ही ट्रोलिंग हो जाती है तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल, देखिए ट्रोलिंग तो मैं मैनेज नहीं करता हूँ और ट्रोलिंग मैं मैनेज कर भी नहीं सकता हूँ, तो वो चीज़ पूरा श्रेय उर्फी जावेद को ही जाता है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जिस तरह से हेटरेड लेके उसको कंस्ट्रक्टिव बनाना, वो पूरा श्रेय उनको जाता है। बात आई हेटिंग की, हेट कमेंट ज़्यादा मिलने की, तो मैंने आपने शो देखा है, मैंने शो में बोला है कि यहाँ पे लोग इतने खाली बैठे हैं कि उनके पास कुछ नहीं है काम, तो वो जाके गाली दे रहे हैं। तो वो चीज़ कंट्रोल कभी नहीं की जा सकती, कभी भी ऐसा बैलेंस नहीं होगा कि प्यार ज़्यादा मिल रहा हो, हेट कम। वो बैलेंस हमेशा मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। तो वो जैसे टैकल करती हैं, आई डोंट नो उनका क्या माइंडसेट है, काफ़ी पावरफुल माइंडसेट है ये मुझे पता है, क्योंकि ऑफकोर्स टाइम होता होगा जहाँ अपने कॉमेंट्स पढ़ते होंगे और लोग आपको गाली दे रहे हैं तो बुरा लगेगा इनिशियली। उस चीज़ को ओवरकम करके उसके बाद फिर भी वो काम करते रहना बड़ी बात है। तो उसका शय मुझे मत दिए, ये मैनेज नहीं करता हूँ। आज भी कभी कभी आपको भी कुछ उर्फी की वजह से सुनना पड़ता होगा कि आपकी सिस्टर हैं, कभी आपने कुछ सुना है कि इस तरह की ड्रेस पहनती है, इस तरह से वो करती है? हाँ, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब इन सब चीज़ों पे जब कोई बोलता है तो मुझे लगता है सेम कि कितने खाली बैठे, इनके पास कोई काम नहीं है, और वो भी फेक आई डी से कमेंट कर रहे हैं। रियल आई डी से आके बोलो तो मैं जानूँ, जिनकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है, जो खुद रियल नहीं है, हमें क्या बताएंगे। जैसे आपका जो शो है फॉलो कर लो यार, देखा गया है, पूरा आपका डेली रूटीन दिखाया गया है, 24 घंटे आप लोगों के साथ कैमरे थे, तो कितना चैलेंजिंग था ये सब करना आप लोगों के लिए? चैलेंजिंग तो नहीं था, हमें बस रियल सेल्फ रहना था। बट हाँ, हम स्टार्टिंग में बहुत नर्वस थे कि यू नो सब कुछ एकदम अब सबके सामने आना है, कुछ प्राइवेसी नहीं रहेगी हमारे बीच। बट देन वी साइन फॉर दिस, ये हमारे शो का कॉन्सेप्ट था, तो स्टार्टिंग में थोड़ा रहा वियर्ड, बट देन फिर सब नॉर्मल हो गया, आदत पड़ गई कैमरा के अराउंड रहने की, फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता था। बस माइकिंग हुई, कैमरा आए, और हम लोग नॉर्मल जैसे हैं वैसे ही थे। हमने सुना घर में आपके बहुत बहनों में बहुत फाइट होती है, ठीक है, आप शायद सबसे कम ही फाइट करती हैं। लेकिन उर्फी का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है, किससे सबसे ज़्यादा वो प्यार करती है? डॉली से, आपसे, या रूसा? एकदम ही टफ है मेरे लिए, बहुत ही पत्थर रख के अपने दिल पे कह रही हूँ, बट आई थिंक अभी उसकी करंट फेवरेट सिस्टर तो डॉली चल रही है, पहले मैं थी। हाँ, छोटी सिस्टर तो सबकी लाडली होती है, बट हाँ आई थिंक लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाई रूसा ही करती है सबसे। बाकी हम लोग फिर भी थोड़ा एक यू नो नॉर्मली रह लेते हैं। कभी कभी तो मारपीट भी होती है, कभी ऐसे मारपीट बचपन में बहुत होती थी, अब नहीं होती। हम लोग मार खाते थे रूसा से, बट अब वो थोड़ा हल्का पड़ गया है। अरे चल श्वेता, जिस तरह से आप डिज़ाइन करती हैं कपड़े, तो कभी आपको भी कुछ ट्रोलिंग कमेंट्स आते हैं इस तरह के? मुझे तो बहुत मज़ा आती है ट्रोलिंग होती, क्योंकि वो जितना ट्रोल करते हैं, जितना हेट दिखाते हैं, उतना और स्प्रेड होता है, जितना स्प्रेड होता है उतना ही हम फेमस होते हैं, तो जितना वो हेट करेंगे उतना हम सीजन्स लाएंगे। सो आई एम ओके. कभी मुझे ऐसा फील नहीं होता, इन सब चीज़ों को दिल पे नहीं लेती मैं. जब आप डिज़ाइन करती है कपड़े तो कितना टाइम लगता है, क्योंकि देखा गया है काफ़ी उसमें क्रिएटिव चीज़ें रहती हैं बनाने में. अभी अब बीच में देखा था एक जी उनका, तो कितना टाइम लगता है, कितना टाइम आप लेती हैं उसको सब? अलग अलग कपड़ों का अलग अलग टाइम है. कभी किसी फैब्रिक में डिज़ाइन में 3 महीने लग गए, जैसे वो ब्लू वाली ड्रेस थी उसमें 3 महीने, कभी 1 मंथ, कभी 2 मंथ्स. नॉर्मली 15-20 डेज तो लगता ही है व्हेन वी आर डूइंग समथिंग टेक्निकल. ओके, जो ये क्रिएटिव आप चीज़ें बनाती हैं जो टेलर तक पहुंचाना, उसे एक्सप्लेन करना. हाँ, तो मतलब आई हैव अ टीम, प्रॉपर टीम है हमारी. एंड मेरी टीम से जो बॉन्डिंग है, जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट डिज़ाइन एंड ऑल, इट्स वेरी चिल. सो जो भी मैं बोलती हूँ दे नेवर से नो. एंड कभी भी कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती हैं तो कभी ऐसा नहीं होता कि हम कर नहीं पाएंगे, हमेशा होता हम कर लेंगे. सो इट्स ईजी फॉर मी. ओके समीर, आपसे क्वेश्चन रहेगा. उर्फी जावेद जिस तरह से वो अपने ड्रेसिंग सेंस रखती है, उसी के लिए वो जानी जाती है, इंटरनेट पर उन्होंने तहलका मचा रखा है. तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई उनके ड्रेसिंग सेंस से? नहीं, मुझे नहीं हुई अभी तक, क्योंकि भाइयों को अक्सर. नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सच. अगर मुझे पहनने के लिए कहेगी वो ड्रेस तो मेरी होगी, पर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. जैसे बाहर आपके दोस्तों यारों में कुछ ऐसी बातें होती हैं? नहीं, वो मुंह पे थोड़ी बोलेंगे कि और तुम्हारी बहन ऐसे कपड़े पहनती है. इतने मेरे बदतमीज दोस्त नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई. ओके, अब आपसे क्वेश्चन रहेगा. आपने बोला बचपन में बहुत सारी मार पिटाई होती थी, उर्फी आपको बचाती थी? आप मैंने सुना इसके पहले कि आपको काफ़ी चोटें आ जाती थी, मार्क्स भी हो जाते थे. नहीं, मैं और उर्फी साथ में मार खाते थे. रूसा से हम लोग ट्राई करते थे, बट हम दोनों काफ़ी दुबले पतले से थे. बट हाँ, नहीं, हम दोनों आपस में मैनेज कर लेते थे. हम दोनों के बचपन में थोड़े सीधे टाइप के थे, रूसा बीइंग द किंग, तो इट वाज ओके. एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा. ये पूछना कहना गलत नहीं होगा कि उर्फी ने आप लोग को एज अ फादर की तरह रखा है, तो कभी कमी महसूस हुई इसकी? किसकी? एज अ फादर फिगर रही हमेशा, तो सेपरेशन के बाद कभी इसकी कमी महसूस हुई आपकी, जैसे मॉम आपके डैड? फादर फिगर तो थोड़ा वियर्ड वर्ड है, बट आई थिंक उर्फी वाज जस्ट लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टर ओनली. हमारे घर में वैसे कोई चीज़ नहीं रही कि यू नो समथिंग वाज मिसिंग. हम सब एक दूसरे के लिए नफ थे. हमारी मम्मी जो थी शी वाज लाइक, उन्होंने दोनों के रोल्स निभाए. बाकी मेरी सिस्टर्स ने पूरा हमारी फैमिली संभाली, तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल. एंड हाँ, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी. हमेशा यू नो ज़्यादा ही किया है जो किया है, कि मुझे लगता है अरे तुम्हारा बनता नहीं है करना, बट तुम कर रही हो, तो आई एम जस्ट ग्रेटफुल. लास्टली अपने फैंस को क्या आप लोग कहना चाहेंगे? फॉलो कर लो यार गाइज, प्लीज. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. बहुत अच्छा लगा.